Good morning, children. This is Modi Public School Online Learning. Myself, Gracie, your English teacher. Today we read chapter 1 of NCERT book. Chapter name is A Happy Child. My house is red, a little house. A happy child I am. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. And under it, I often sit when all my play is done. Now, recite it. My house is red. यहाँ एक छोटी बच्ची है जिसका हाउस रेड कलर का है. A little house. इसका हाउस जो है वो रेड कलर का है और छोटा सा हाउस है. A happy child I am. और मैं बहुत खुश हूँ. जो चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है. I laugh and play the whole day long. और जो बच्ची है वो पूरे दिन हंसती है और खेलती है. I hardly ever cry. और वो मुश्किल से ही कभी रोती है. हमेशा वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है, हंसती है और बहुत ही कम वो रोया करती है. I have a tree, a green green tree. अब वो बता रही है कि जो उसका हाउस है उसके पास एक छोटा ट्री है जो ग्रीन कलर का है. आप लोगों ने भी ट्रीज़ देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, छोटे ट्रीज़ भी होते हैं. ऐसे जो ये चाइल्ड है इसके घर के पास एक ट्री है जो कि ग्रीन ग्रीन है, पूरा ग्रीन ट्री है वो. टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे सन से छाया देता है. ऐसे जब धूप आती है, सन ऊपर आता है, तो ये जो बच्ची है वो शेड के लिए ट्री के नीचे बैठ जाती है. एंड अंडर इट आई ऑफ्टन सिट व्हेन ऑल माय प्ले इज़ डन. और जब वो पूरी तरह से खेल चुकी होती है, खेल के थक चुकी होती है, तो वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है. Now we see there are few new words we learn. First, cry, day, red and sun. Now we do some book work. This is your marigold book. This is your workbook, marigold book. Chapter 1, tick the correct options. नंबर ए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हाउस. जो बच्चे का घर था उसका जो कलर है वो कौन सा था. येलो, ग्रीन, रेड और वाइट. सो राइट आंसर इज रेड. बी, आई हार्डली एवर. बच्चा हार्डली क्या करता था. क्राई, स्पीक, रीड और प्ले. बच्चा क्या करता था, हार्डली क्राई करता था. तो क्राई इज राइट आंसर. देयर द ट्री इज. ट्री कौन से कलर का था. रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू. तो जो ट्री था वो ग्रीन कलर का था. तो ग्रीन इज राइट आंसर. Now fill in the blanks. A, my house is red, a little house. A little house आपको fill करना है. यहाँ already fill नहीं है, यहाँ my house is red fill किया हुआ है. A little house आपको खुद fill करना है. Dash, I am. A happy child I am. Next, I have a tree. Dash,
I have a green, green tree. Dash from the sun to shade me from the sun. Next, fill in the box with the right color. जो boxes दे रखे हैं हमें यहाँ पर उन्हें right color से fill करना है. Question number A, what is the color of the happy child house? जो happy child था उसके घर का color कौन सा था? तो color is red. What is the color of your house? यहाँ पर आपके घर का कौन सा color है? जो भी आपके घर का color हो उसे यहाँ पर fill कर दीजिए. Next, what is the color of the tree? Tree का color कौन सा था? The tree color is red, green. Tree का color कौन सा था? Green. What is the color of the sun? Sun का color कौन सा होता है? Sun का color होता है yellow. Next page. Now, question number 4 is, match the animal with the sound they produce. जो एनिमल के साउंड्स हैं हमें उनको मैच करना है, यानी कि जो एनिमल है उसको उसके साउंड के साथ मैच करना है. एनिमल फर्स्ट है एलिफेंट. एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट. एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट करता है. बी लायन. लायन क्या करता है? लायन करता है रॉर. थर्ड कैट. कैट का साउंड कैसा होता है? म्याओ. कैट कैसे बोलता है? म्याओ. नंबर डी डॉग. डॉग क्या करता है? डॉग करता है बार्क. डॉग की आवाज़ को हम बोलते हैं बार्क. एफ हॉर्स. हॉर्स क्या करता है? नित. डॉग जो हॉर्स जब हिनहिनाता है उसे बोलते हैं नित. नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज़ माई फूड. लुक एट द पिक्चर एंड मैच द एनिमल विद देयर फूड. यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं और उनके फूड्स दे रखे हैं, तो हमें एनिमल्स को उनके फूड से मैच करना है. नंबर ए लॉयन. लॉयन को यहाँ पे हमने लॉयन से मैच किया और अब उसे उसके फूड से मैच करेंगे. तो लॉयन, ये लॉयन की पिक्चर है, उसे हमने लॉयन से मैच किया और अब उसका फूड क्या है? लॉयन क्या खाता है? मीट. तो हमने उसे मीट से मैच कर दिया है. नेक्स्ट काउ. काउ को हम काउ से मैच कर रहे हैं. उसके बाद काउ क्या खाती है? ग्रास. तो हमें उसे ग्रास से मैच कर देना है. नेक्स्ट डॉग. डॉग को हमने रिटर्न डॉग से मैच किया और अब डॉग क्या खाता है? ब्रेड. डॉग क्या खाता है? ब्रेड, टोस्ट और जो भी हम उसे खाने को देते हैं वो सारी चीज़ें डॉग खाता है. नेक्स्ट है रैट. रैट क्या खाता है? जो भी दाने या फिर छूटा हुआ खाना होता है वो सारी चीज़ें रैट खाता है. नेक्स्ट है आफ्टर द पोयम, गिव द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ तक कॉलम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपके फैमिलीज हैं उनके नेम लिखने हैं. तो यह आपको खुद से लिखना है. यहाँ पे मम्मा पापा भाई बहन दादा दादी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका सबका यहाँ पे नेम लिखना है. नेक्स्ट पेज. गिवन बिलो इज़ एन आउटलाइन ऑफ अ हाउस. ड्रॉ द डोर वेंटिलेटर एंड विंडो दैट अप्रोप्रिएट प्लेस. यहाँ पर एक आउटलेट दे रखा हाउस का और हमें क्या क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे? डोर वेंटिलेटर्स और विंडोज़, इनको हमें कलर करना है और ड्रॉ भी करना है ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ से एयर हमारे घर में आती है. कहाँ कहाँ से एयर हमारे घर में आती है? डोर वेंटिलेटर्स और विंडो से हवा हमारे घर में आती है. You come across many type of houses when you travel in a bus or auto to come to your school. Encircle the one you have seen on the way.
जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल के रास्ते पे आपको बहुत सारे घर दिखते होंगे और उन्हीं घर में से यहाँ पे कुछ घर हमें दे रखे हैं, जैसे हट, बंगलो, फ्लैट्स और हाउस। तो हमें यहाँ पर जो घर आपको रास्ते में दिखते हैं उनमें सर्कल करना है। जब भी आप स्कूल आते हैं, जो भी घर आपको रास्ते में मिलता है उसके ऊपर सर्कल कर दीजिए। सो दिस इज़ आवर चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कंसल्ट मी। थैंक यू।